भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने रविवार को कई मुद्दों पर बात की। कांग्रेस के राजभवन घेराव को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि राजभवन घेराव करके कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है, कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दे नहीं है। वहीं वीडी शर्मा ने आगे कहा कि पूरे देश में मध्य प्रदेश बीजेपी ने डिजिटल बूथ बनाने का काम किया, उस समय 62,000 से ज्यादा बूथ डिजिटलाइज्ड थे। अब इस समय इस अभियान का पार्ट टू भी शुरू होगा। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के नए कार्यालय का भूमि पूजन करने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 मार्च को भोपाल आएंगे। लेकिन राजभवन का घेराव करके कांग्रेस जो दिखाना चाहती है कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दे नहीं है जमीन पर, न कांग्रेस जमीन पर जा सकती, कांग्रेस झूठ और छल कपट की राजनीति पर इसी प्रकार से काम करेगी। इस प्रदेश देश के राज्यपालों में महामहिम राज्यपाल जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी के लिए प्रतिबद्धित होकर के मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। उन्हें तो महामहिम राज्यपाल जी का सम्मान करना चाहिए। ऐसा सक्रिय राज्यपाल महोदय इस मध्य प्रदेश के अंदर में ये कहूं तो गलत नहीं है, पहली बार हमारे ऐसे राज्यपाल जो जनता के साथ और इस प्रकार के मुद्दों पर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने का काम महामहिम राज्यपाल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। अब कांग्रेस की इच्छा है, स्वतंत्र है, वो राजनीतिक दल है और मैं इस बात को बड़े गंभीरता के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने कुशलतापूर्वक डिजिटल बूथ बनाने के अभियान में भारतीय जनता पार्टी के आज के नई तकनीक के युग में जो डिजिटलाइजेशन करने का काम हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया, प्रत्येक बूथ पर 64,634 बूथों पर आज उस अभियान को पुनः हमने बूथ अध्यक्ष महामंत्री बीएलए और पन्ना प्रमुख ये जब बनाने का काम उस समय हमने किया था, लगभग 64,634 में से उस समय जब डैशबोर्ड पर हम सब लोगों ने इसका रिकॉर्ड जब लिया, जो पर डे की रिकॉर्डिंग के पर डे की मॉनिटरिंग और पर डे का हमारा रिकॉर्ड जब डैशबोर्ड पर आता था तो लगभग हम 62,000 बूथों पर एट द टाइम उस समय, बाद में पूरे हमने 64,634 बूथ किए हैं लेकिन अब 64,100 बूथ, कुछ बूथ कम हुए हैं। बूथ विस्तारक पार्ट टू का अभियान 14 तारीख से शुरू हो रहा है, उसकी पूरी तैयारी हम सब लोगों ने मिलकर के की है। आज मैं मीडिया के मित्रों को ये जरूर बताना चाहता हूं कि जैसे बूथ पर हमने बूथ अध्यक्ष महामंत्री और बीएलए जो देश के अंदर प्रदेश के अंदर हो रहा है, तो हितग्राही इंचार्ज भी हम बूथ पर बनाने का काम कर रहे हैं। एक महिला प्रमुख भी उस बूथ पर होगी। हम 33% महिलाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे, ये भी हमने इस अभियान में अपने कार्यकर्ताओं को संकेत देकर के ये तय किया है कि हम इस दिशा में आगामी कदम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम अपने भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यालय के निर्माण की हमने शुरुआत की है। नवदुर्गे में अभी टेंटेटिवली 27 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सैद्धांतिक सहमति मिली है, कार्यक्रम अभी फाइनल होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि नए कार्यालय के निर्माण के भूमि पूजन के लिए 27 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा प्रस्तावित है, सैद्धांतिक सहमति मिली है, डिटेल कार्यक्रम अभी आप सब लोगों के समक्ष आएगा। तो नए कार्यालय का निर्माण भी नव दुर्गे के पावन पर्व पर शुभ दिनों में उसकी शुरुआत होगी।